हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आपसे भी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये डेली मैथ रिवीजन की वीडियो का पार्ट 4 है और इसमें हम देखने वाले हैं कुछ और मैथ के क्वेश्चंस जो कि रेलवे ग्रुप डी, आरपीएफ, एसएससी, जीडी, हरियाणा एसएससी, अदर जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं सभी के लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा और जो दोस्त अब तक चैनल के साथ में नहीं जुड़ा है तो नीचे रेड कलर का बटन दबा करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि आपके पास हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। और देखिए दोस्तों, मैं अकेडमी की लर्निंग ऐप पे पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे मैंने बहुत सारी मैथ की वीडियो अपलोड की है। अगर आपको वीडियो देखनी है अकेडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके वहाँ पे सौरभ मलिक सर्च करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और उनसे भी वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को और प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और मैं आशा करता हूँ कि आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेंगे। और जैसे आप सभी को पता है कि डेली मैं एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ जिसमें मैं जो क्वेश्चंस ऑलरेडी करा चुका हूँ उस टाइप के कुछ क्वेश्चंस का रिवीजन हम कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को खुद भी देखा करें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करके पहुँचाया करें, ठीक है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, यहाँ पे कई बार इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो जाता है और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। यहाँ पर दिया गया है यदि एक्स रेशो वाई 4:5 लिखा है, ठीक है, तो ब्रैकेट 5x-3y रेशो ब्रैकेट 6x+3y का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे क्या है कि आपको ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि x और y की वैल्यू क्या रखें। तो जो x रेशो y दिया ना 4:5 रेशो में, तो यही x और y की वैल्यू है, यानी कि जहाँ पे भी आपका x लिखा है वहाँ पे 4 लिख दीजिए और जहाँ पे भी y लिखा है वहाँ पे 5 लिख दीजिए, तो आपका पूरा सही आंसर आ जाएगा। देखिए, जैसे यहाँ पे 5x लिखा है तो मैं लिखूंगा 5 × 4, यहाँ पे 3y लिखा है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 3 × 5, यहाँ पे लिखा है आपका 6x तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 6 × 4 क्योंकि x की वैल्यू मैंने 4 यहाँ पे ली है, और यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है 5, तो 3 × 5 हम यहाँ पे कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या आपका जब इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 × 4 कितना 20, 5 × 3 कितना हो जाएगा 15, 6 × 4 कितना हो जाएगा आपका 24 और ये 15। इसको सोल्व कर लीजिए, आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए, ऊपर वालों को हम सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ऊपर बचेगा आपका 5 और नीचे प्लस करेंगे तो 39, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो कई बार क्वेश्चन बहुत आसान होता है और ये क्वेश्चन आपके जैसे ग्रुप डी का हो गया, ठीक है, आरपीएफ का हो गया, यूपी पुलिस हो गया, इन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन ये है कि 17:19 के प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए कि अनुपात 5:7 हो जाए। इस टाइप का क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको क्या करना है, जो भी रेशो दे रखा होता है उसमें से x माइनस कर दो। ये पूछा ना कि क्या घटाया जाए, तो क्या घटाया जाए, हमने क्या कर दिया, वहाँ से x माइनस कर दिया। तो 17 - x अपॉन में 19 - x और ये किसके इक्वल हो जाएगा, इस रेशो के। यहाँ पे बोला ना कि क्या घटाया जाए कि ये वाला रेशो बन जाए 5:7 वाला, तो मैंने इसमें से x माइनस किया और ये रेशो बन जाएगा, ठीक है। बस अब आपको यहाँ पे करनी है क्रॉस मल्टीप्लाई तो आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। यहाँ पे x की वैल्यू निकल के आ जाएगी ना, तो 7 की ऊपर करेंगे कितना हो जाएगा 119 - 7 की x में करेंगे तो 7x, 5 की इधर करेंगे तो 95, 5 की x में करेंगे तो 5x। xx वालों को एक साइड में ले लेंगे तो 7x में से -5x करेंगे तो 2x बचेगा और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 24, तो x की वैल्यू आपकी 12 आ जाएगी। यानी कि मैं 17 और 19 जो है इसमें से, देखिए यहाँ पे आपका रेशियो लिखा है ना, तो इसमें से अगर आप 12 माइनस करेंगे तो आपका ये बचेगा, ठीक है भाई। तो ऐसा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी टाइप का, फिर नेक्स्ट टाइप पे चलेंगे। दो संख्याओं में से 7:9 का अनुपात है, प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दें तो उसमें 4:5 का अनुपात हो जाता है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे सब कुछ ही दे दिया आपको, रेशो भी दे दिया, बोल दिया कि 5 जोड़ दें, या फिर यहाँ पे दिया जा सकता था कि 5 घटा दें, और रेशो क्या बन जाता है 5 जोड़ने के बाद में 4:5 का अनुपात हो जाता है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, बड़े वाली संख्या आपको बतानी है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये रेशो है ना आपका 7:9, तो 7x और 9x में +5 का आप करेंगे तो यहाँ पे आपका क्या रेशो बन रहा है, ये वाला रेशो बन रहा है। तो यहाँ पे आप इनकी वैल्यू निकाल लेंगे। ये देखिए 7x और 9x में क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये रेशो है, एक्चुअल वैल्यू नहीं है, तो इनकी वैल्यू हमें निकालनी है और उसमें बताना है कि बड़े वाली संख्या कौन सी है। तो यहाँ पे 7x यानी कि ये हमारी वैल्यू हो गई, संख्या हो गई, और उसमें 5 हमने प्लस कर दिया, 5 जोड़ने पर, ऐसे हमने 9x+5 किया तो ये वाला रेशो बन जाता है। तो इनकी भी यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी और फिर आपका पूरा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो कितना होगा, 5 की 7 में करेंगे तो 35x और 5 की 5 में करेंगे 25, 4 की 9 में करेंगे 36x और 5 की 4 में करेंगे तो 20। तो x की वैल्यू आपकी यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। देखिए 36x और 35x माइनस कर देंगे तो x बचेगा, इसमें से माइनस करेंगे तो 5 बचेगा, तो x की वैल्यू आपको कितनी मिल गई,
5 मिल गई। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, 7 में मल्टीप्लाई 5 की करनी है तो आपका पहले वाली वैल्यू आ जाएगी, 9 में मल्टीप्लाई 5 की करेंगे तो दूसरे वाली वैल्यू आ जाएगी। तो 7 5 जा 35 और 9 5 जा कितना होता है 45। तो यहाँ पे बड़े वाली संख्या पूछिए तो 45, छोटे वाली पूछी जाती है 35, इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछा जाए तो आप वही आप क्वेश्चन में बता देंगे। देखिए ये क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है ना, तो इस टाइप के क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप वीडियो को सारी वीडियोस को देख रहे होंगे, और लिंक दे दिया मैंने प्लेलिस्ट का, अभी तक 3 पार्ट में अपलोड कर चुका हूँ, उनको भी देख लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। एक ये वाले क्वेश्चन है आपके, ठीक है, एक तो बिल्कुल सिंपल ही होता है, वो मैंने नहीं कराया, बट इसी क्वेश्चन से आपका वो भी सोल्व हो जाएगा जो इससे भी बेसिक है, जिसमें ए बी बी सी मतलब आपका दिया होता है और उसमें सिक्वेंस में दिया होता है, ये सीक्वेंस में अगर नहीं दिया होता तो उसको अरेंज करना पड़ता है। और यहाँ पे आपको क्या बताना है, ए बी सी का रेशो या फिर ए सी का रेशो या फिर बी सी का रेशो, किसी का भी रेशो आपसे पूछ लिया जाए तो आप उसका निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन अभी अभी आपका ग्रुप डी में पूछा गया था और इससे पहले ए एल पी में पूछा गया था, बट डिजिट चेंज थी। तो ये क्वेश्चन भी आपके आते हैं, इनकी सबसे आसान ट्रिक यही होती है कि जैसे क्वेश्चन दिया गया है ए बी का रेशो 3:4 तो ए बी का रेशो 3:4 हो जाएगा, बी सी का रेशो 8:9 तो बी सी का रेशो 8:9 हो जाएगा। तो आपको इतना वर्क करने के बाद में 3:4 और 8:9 करने के बाद में आपको क्या करना है, उल्टा एन कर देना है इस तरीके से, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई में करेंगे तो ए का रेशो, इसकी मल्टीप्लाई में करेंगे तो बी का रेशो, और इसकी मल्टीप्लाई में करेंगे तो सी का रेशो, यही आपका आंसर हो जाता है, ठीक है भाई। एक बार और मैं बता देता हूँ, उल्टा एन का मतलब है कि आपको इस तरीके से मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले इसकी इसमें करनी है, फिर इसकी इसमें करनी है, फिर इसकी इसमें करनी है। तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद में आपका क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे अगर पूछा जा रहा है ए बी सी तीनों का रेशो, तो यहाँ पे तीनों को आपको इस तरीके से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो यहाँ पे तीनों का रेशो क्या आ जाएगा भाई, 3 की 8 में करेंगे तो 24, 8 की 4 में करेंगे 32 और 4 की 9 में करेंगे तो 36। तो ये रेशो आपका आ गया। अब ये अगर किसी कॉमन नंबर से कट हो सकता है तो इसको सबसे पहले कट कर लेंगे, क्योंकि जो रेशो होता है हमारा, जो लास्ट आपकी फाइनल वैल्यू बचती है सब कुछ कटने के बाद में, जब कोई भी वैल्यू किसी भी कॉमन नंबर से नहीं कट होती है तो वही आपका रेशो बन जाता है। तो अब ये 4 से कट जाएगा, ठीक है, 6 चौक 24 होता है ना, तो 4 से कट जाएगा 6 बार, ये कट जाएगा 8 बार और ये कट जाएगा 9 बार, तो 6:8:9 रेशो आपका बन जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। और हाँ, अभी यहाँ पे क्या पूछा गया है कि बी और सी का अगर रेशो पूछ लिया जाए, बी और सी का रेशो, तो 8:9 यहाँ पे ए और सी का रेशो पूछा गया तो ए और सी का रेशो कितना है, 6:9। तो देखिए अब यहाँ पे दोबारा से क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, अगर 6:9 आया ना तो आप इसको 6:9 रेशो आपको क्वेश्चन में तो मिल जाएगा ऑप्शन में, बट ये आंसर नहीं लगाना, क्योंकि ये भी किसी कॉमन नंबर से कट हो सकते हैं। अगर ये कट हो सकते हैं तो इनको कट करेंगे, उसके बाद जो फाइनल वैल्यू बचेगी वो आपका आंसर होगा। तो 3 2 6 3 3 9 तो यहाँ पे आंसर आपका 6:9 नहीं होगा, 2:3 होगा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसी टाइप में एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये थोड़ा लेंथी सा क्वेश्चन होता है और इस टाइप के क्वेश्चंस को करने में बहुत सारे अलग अलग मेथड आपको पता होंगे, बट इससे अच्छा मेथड मुझे नहीं लगता। एक बार थोड़ा सा ध्यान लगा के समझिएगा। यहाँ पे दिया गया ए और बी का रेशो 18:15, बी सी का रेशो 5:8, सी डी का रेशो 4:5 हो, तो ए बी सी डी का रेशो या फिर किसी भी दो का पूछ लिया जाए, ए डी का रेशो, ए बी का रेशो, सी डी का रेशो, बी सी डी का रेशो, जिसका भी पूछ लिया जाए वही आप बता सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा यहाँ पे ए बी का रेशो जो दे रखा है वो लिख लीजिए, बी सी का रेशो जो दे रखा है वो लिख लीजिए, और सी डी का रेशो जो दे रखा है वो लिख लीजिए। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपल सा दो रेशो तो आप इजीली निकाल ही लेंगे। अगर पूछा जाए ए और डी का रेशो तो वो तो आप एक सेकंड में निकाल लेंगे, कैसे, इधर से इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर से इसकी मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले वाले की मल्टीप्लाई करेंगे तो ए का रेशो आता है, और सबसे लास्ट वाले की मल्टीप्लाई करेंगे तो डी का रेशो आएगा, ठीक है। अब बचे बीच के दो, बी और सी, इनकी कैसे मल्टीप्लाई करें, उनका कैसा रेशो निकालें। देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे, सबसे पहले मैंने इन दोनों की 5 और 4 की मल्टीप्लाई की और फिर इसमें कर दी, तो ये इस वाली लाइन में पहले मल्टीप्लाई की तो ये आपका बी का रेशो हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो फिर यहाँ पे करना है आपको 4 की 8 में और इन दोनों की मल्टीप्लाई, ये आपका सी का रेशो हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। तो इस तरीके से हमने मल्टीप्लाई करी, इन तीनों की मल्टीप्लाई करी, 160 आ गया, ठीक है। 5 की 4 में करी तो 5 चौक 20 और फिर 15 में करी तो 300, फिर यहाँ पे
आठ की फोर में करी, फोर की एट में करी और फिर 15 में करी तो 480, इन सभी की कर दिया तो कितना होगा 600। तो अब ये किसी कॉमन नंबर से कट हो सकते, दोनों कट कर लेते हैं। जैसे ये तो जीरो से जीरो, जीरो से जीरो सभी में कॉमन है तो इसको जीरो को तो हटा देंगे। फिर यहाँ से टू से कट हो जाएगा 8 टाइम, टू से 15 टाइम, टू से 24 टाइम, टू से 30 टाइम। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब क्योंकि ये किसी कॉमन नंबर से कट नहीं हो सकते हैं। अब यहाँ पे क्या पूछेगा, ए और डी का रेशो, तो ए का आपका 8 है, डी का आपका 30 है, तो ए डी का रेशो आपका ये हो जाएगा। किसी भी और किसी नंबर का पूछा जाए, मान लीजिए यहाँ पे पूछा जाए बी और डी का रेशो, तो यहाँ पे बी का 15 है और डी का आपका 30 है, तो यहाँ पे तो देखिए 1:2 आ जाएगा आपका आंसर। तो ये भी आपको ध्यान रखना होता है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और आशा करता हूँ कि आप वीडियो को लाइक शेयर कर रहे होंगे, तो कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन इस तरीके का भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। यहाँ पे लिखा है 30,720 रुपये के धन का 3 वर्ष का CI यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट और SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट का अंतर 1,500 रुपये है, दर ज्ञात कीजिए, रेट आपको बताना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए सिंपल सा एक ये ट्रिक याद रखनी है, इससे आप कई तरीके के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, डिफरेंस भी निकाल सकते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट नहीं दिया तो प्रिंसिपल अमाउंट भी निकाल सकते हैं, रेट अगर आपको दे रखा है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 3x+1 अपॉन में x का क्यूब और ये इक्वल किसके है, डिफरेंस अपॉन प्रिंसिपल। जो भी क्वेश्चन में डिफरेंस दे रखा होगा वो ऊपर लिखना है, जो भी प्रिंसिपल दे रखा होगा वो नीचे लिखना है, और ये आपको याद रखना है 3x+1 अपॉन में x की क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे 3x+1 अपॉन में x की क्यूब वैसे रखेंगे, डिफरेंस कितना है 1500 और ये 30,720 है, ठीक है। जीरो से जीरो कट हो जाएगी और ये यहाँ पे आपका कट हो जाएगा किससे, 3 से, ठीक है। 3 से इसको कट करेंगे 50 टाइम और इसको कट करेंगे 1024 आ जाएगा, फिर इसको हम कट करेंगे 2 से 25 और ये जाएगा कितने बार, 512। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन जो ट्रिक है ये, इसका रोल सिर्फ इतना है कि यहाँ पे ये सेटिस्फाई होना चाहिए। कैसे, यहाँ पे 3x+1 अपॉन में x की क्यूब लिखा है हमने अपॉन में और यहाँ पे किसके इक्वल है, 25 अपॉन में 512, ठीक है, 512 के। अब यहाँ पे आपको ये चीज़ चेक करनी है कि ये किसका क्यूब है, ये किसी, जब यहाँ पे इसके सामने लिखा हो ना तो किसी न किसी नंबर का ये क्यूब होगा, तो किसका है, 8 का अगर हम क्यूब कर दें तो कितना होता है, 512 होता है, ठीक है भाई। अब यहाँ पे x की वैल्यू आपकी 8 आ गई है, ठीक है। अब इसमें हमें क्या सेटिस्फाई करना है कि यहाँ पे x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे ये रख दूँ 8 तो 25 आ रहा है क्या, तो देखिए 8 + 24 और 1 = 25, तो ये सेटिस्फाई है। यानी कि x की वैल्यू अगर आपकी 8 आ गई तो आपको क्या करना है, 1/8 और उसमें 100 की मल्टीप्लाई कर देनी है, क्योंकि ये परसेंटेज में हमें कन्वर्ट करना है, ठीक है ना, क्योंकि रेट हमारा परसेंटेज में होता है, तो 100 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 से 1/2%, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसा करता हूँ कि आपके क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक क्वेश्चन है यहाँ पे, चक्रवर्ती ब्याज से 10% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज पर 2,000 रुपये कितने वर्ष में 2,420 रुपये हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल जो मूलधन है वो 2,000 था और मिश्रधन आपका 2,420 हो गया, यानी कि बढ़ के कितना आया, 420 बढ़ गया। अब आपको ये बताना है कि ये 420 कितने ईयर में बढ़ गया, तो 2,000 रुपये अगर मैं 10% लगाऊँ तो कितना आएगा, 200 आपका, ठीक है। फिर नेक्स्ट ईयर में आपका देखिए सीधा सीधा सा समझ में आ गया कि 200 आ गया ना, तो ये 2 साल में ही होगा, क्योंकि भाई फर्स्ट ईयर में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट आपका सेम रहता है, दूसरे ईयर से ही तो आपका इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगना स्टार्ट होगा। तो पहले ईयर में अगर आपका 200 है तो दूसरे ईयर में 200 प्लस कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा रहेगा, तो ये 200, 200, 400 जो 20 ना एक्स्ट्रा रहा होगा, तो अगर आप इसको ऐसे भी ना निकालें, मतलब ऐसे कैलकुलेट भी ना करें, तो आप इसका 2 ईयर लगा सकते हैं आंसर डायरेक्टली, बट एक बार चेक भी कर लेते हैं। देखिए 200 तो रहेगा रहेगा, ये 200 है फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में भी 200 रहेगा, थर्ड ईयर में भी 200 रहेगा, बट इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट भी साथ साथ में चलता रहेगा। वो कैसे, 200 रहेगा 200 रहेगा, 200 पे फिर 10% निकालेंगे, 20 ही आ गया, तो इसको प्लस करेंगे तो 420, तो 2 साल में आपका ये हो जाएगा राइट आंसर, 2 साल में 420 इंटरेस्ट लगेगा 2,000 पे, ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, 3 संख्याएँ 3:4:5 के अनुपात में है, सबसे बड़ी तो सबसे छोटी संख्याओं का योग तीसरी संख्या तथा 52 के योग के बराबर है, सबसे छोटी संख्या क्या है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि 5x और 3x, देखिए क्योंकि ये यहाँ पे दिया गया है तीनों संख्याएं 3:4:5 दे रखे हैं, तो सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या का योग, तो सबसे बड़ी संख्या इसमें 5x है और सबसे छोटी 3 है, तो 5x + 3x के किसके इक्वल है, जो तीसरी संख्या बची यानी कि बीच वाली 4x बच रही है, और प्लस 52 के इक्वल है। तो हमने यहाँ पे इसको थोड़ा सा
पहले एक इक्वेशन बना ली, 5x प्लस 3x सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या का अगर मैं योग करूं तो वो किसके इक्वल आएगा, तीसरी संख्या 4x प्लस 52 के इक्वल आएगा। ठीक है, तो इतना आपने किया यहाँ पे, तो x x वाले को मैं यहाँ पे अगर एक साइड में लेके आऊँगा तो यहाँ पे आपका 4x बच जाएगा। ये कैसे, देखिए 5x और 3x कितना हो जाएगा 8x, और यहाँ पे कितना 4x और 52, तो ये 4x इधर जाएगा तो बचेगा आपका 4x बराबर 52। तो x की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 52 डिवाइड बाई 4, तो यहाँ पे x की वैल्यू आपकी 13 आ जाएगी। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, तो सबसे छोटी संख्या क्या है, तो सबसे छोटी संख्या तो यहाँ पे 3x है, तो 3x में आपकी यानी कि जो 3 है उसमें 13 की मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 13 3 कितना होगा 39, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, 39 इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसा करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया गया गत्ते के एक डिब्बे में 12 शीशे हैं, ठीक है, इस डिब्बे को पटक देने पर टूटे हुए तथा बिना टूटे हुए शीशों का अनुपात निम्न में से कौन सा नहीं हो सकता। अब इनमें से एक अनुपात होगा जो नहीं हो सकता, अब इसको कैसे पता लगाएं, एक बहुत ही अच्छी ट्रिक, जो भी यहाँ पे संख्या दी गई होगी डिब्बे में कितने 12 शीशे हैं, तो आपको ये ट्राई करना है कि इनमें से कौन सा रेशो का जो योग है वो इसको डिवाइड नहीं कर सकता। जैसे अगर मैं देखूँ 2 और 1 3, 3 से तो 12 डिवाइड हो जाएगा, 3 और 1 4, 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, 3 और 2 5, 5 से 12 डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, 7 और 5 12, ये तो कम्प्लीट डिवाइड हो ही जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो रेशो, वो रेशो निकल के आ जाएगा कौन सा, यानी कि अनुपात निम्न में से कौन सा नहीं हो सकता, जो बिना टूटे हुए शीशों का अनुपात कौन सा नहीं हो सकता, तो ये आपका सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा 3:2, क्योंकि जो इस रे जो भी यहाँ पे वैल्यू दी होगी, संख्या दी होगी, उसको कम्प्लीटली डिवाइड नहीं करता है, तो वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एज आयु के भी कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया ए तथा बी की आयु का अनुपात 5:4 है, 3 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:9 होगा, बी की वर्तमान आयु कितनी है। तो ए और बी का जो रेशो दे रखा है वर्तमान में, यहाँ पे कितना दे रखा है 5:4 का, तो 5x और 4x इनकी एज हो जाएगी, 3 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात ये हो जाता है, तो 3 3 वर्ष में इसमें प्लस कर दूंगा तो इस रेशो के इक्वल हो जाएगा 11:9 के। देखिए ये इक्वेशन जो है ना, ये इतना काम करना, ये कई क्वेश्चंस आपके सोल्व करा सकते हैं, और ये कोई भी बड़ा काम नहीं है, बहुत ही सिंपल सा एक ये ट्रिक मान लीजिए, और या फिर आप इसको जैसे भी बोले, बस यहाँ पे आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, एक्स की वैल्यू निकालना है, जो भी क्वेश्चन में पूछा जाए वो आप कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि अगर आप यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 9 की 5 में करेंगे तो 45x 27x हो जाएगा, 9 की 3 में करेंगे 11 की इधर करेंगे तो 44x और यहाँ पे 33 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे देखिए इन दोनों में से अगर मैं माइनस करूँ तो x, और इनकी माइनस करूँ तो ये हो जाएगा 6, तो b की आयु कितनी हो जाएगी 4 × 6, तो ये 24 ईयर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे किसकी पूछी है, b की वर्तमान आयु, तो b की 4x है, तो x की वैल्यू आपको 6 पता चल गई, तो 6 × 24। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, 10 वर्ष पहले ए बी की आयु का अनुपात ये था, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात ये है, तो उनकी आयु है, तो 10 वर्ष पहले बोला गया है। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं और गलती कर बैठते हैं, यहाँ पे जो दिया गया उनकी वर्तमान आयु ये वाली दी गई है, ठीक है, और 10 वर्ष पहले का रेशो ये दे रखा है, तो कई बार क्या होता है 3:5 का जो रेशो दे रखा था इसमें से 10-10 माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से ये भी देखना है कि उनकी वर्तमान आयु में से हम 10-10 माइनस करके तब इस रेशो के इक्वल पहुंचेंगे। ठीक है, तो 2x और 3x में से अगर मैं 10-10 माइनस कर दूं तो ये 10 वर्ष पहले का रेशो 3:5 आ जाएगा आपका, तो 3:5 यहाँ पे आ गया, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो x की वैल्यू आ जाएगी, तो आंसर आपका निकल ही जाएगा। तो 5 की इधर करेंगे 10x, 5 की 10 में करेंगे तो 50, 3 की इधर करेंगे 9x और 3 की 30 में 10 में करेंगे 30, तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, देखिए x का हम माइनस करेंगे तो x बचेगा, ये इधर जाएगा तो 20, तो यहाँ पे x की वैल्यू आपकी आ जाएगी, पूछा गया किसका 20 आ गई है, तो यहाँ पे इनकी आयु है, तो आयु इन दोनों की पूछी है, तो यहाँ पे 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे 20 की तो a की, 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे 20 की तो आपका b की, तो कितना हो जाएगा 40 ईयर और 60 ईयर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में सॉरी आए होंगे। तो आज की वीडियो में था इतनी, आप आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपने वीडियो को लाइक शेयर कर दिया होगा, अगर नहीं किया तो कर दीजिएगा, और इसकी PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं।
टॉपिक स्टडी के टेलीग्राम ग्रुप से। यहाँ से आप बहुत सारी पीडीएफ और भी डाउनलोड कर सकते हैं, डेली न्यूज़पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है जो मैं डायरेक्ट आपको यहीं पे शेयर कर देता हूँ, तो आपको कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, पूरा यहाँ पे अपडेट रहिए और सारी पीडीएफ डाउनलोड करते रहिए, और भी बहुत सारी पीडीएफ यहाँ पे मैं अपलोड करने वाला हूँ, तो यहाँ पे ज्वाइन जरूर जाइएगा। वीडियो को देखने बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।